हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मेरे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में लोगों ने बोला है कि आरआरबी के असिस्टेंट का लाइव मॉक आया है और अच्छा लेवल का है वगैरह वगैरह। तो तभी मैं ये प्रैक्टिस मॉक में ये है जो कल शाम 10 बजे तक वैलिड है। अगर आपने मॉक लगाया है तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना, और आप अगर आपने आरआरबी का एग्ज़ाम पहले दिया हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि लेवल का किस हिसाब से है। ठीक है, मतलब आप टफ है, इजी है, एग्जाम से रिलेटेड बताना मुझे, और मैं भी इस वीडियो के लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा कि इसका लेवल मुझे कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार 2 साल से मैं प्री निकाल रहा हूँ हमारा भी क्लैरिकल का। ठीक है, तो मुझे पता है कि लेवल किस तरीके से रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ठीक है, GS 2nd, GS 10th, GS 4 above C, देता हूँ
एफ इज एन, एन और ई कितना है, ई कितना, 1 2 3 4 5। अब बिलो एफ 3 6 7 8। आई और जे, आई और जे 1 2 3 4 5। बी जे जी आई एन, बी जे जी आई एन 11, 11 इस के आएंगे के, इसको भी छोड़ो, 9% एटलीस्ट 2 एंड एटलीस्ट 4, ठीक है। एचआर कस्टमर केयर और सपोर्ट 9% है, ठीक है। ए कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, ई एन एफ कस्टमर वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, ई एन एफ नहीं, ई एन जी वर्क सेम डिपार्टमेंट बट नॉट एच आर, ई एन जी बट बी वर्क ओनली 1% बट नॉट विद ए, बी वर्क विद ओनली 1% बट नॉट विद ए, ए बी डजंट वर्क सपोर्ट डिपार्टमेंट ना, तो ये नहीं हो सकता। सी एन ई सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विद जी, सी एन ई सेम डिपार्टमेंट नॉट विद जी, आई एन एफ सेम डिपार्टमेंट बट नॉट, आई एन एफ सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विद कस्टमर केयर, एम और बी चार, एम और बी इज
RUPST के राइट में भी RUPST ना, कुछ तो गड़बड़ किया फिर मैंने इसमें। यू से बड़ा एक्सट्रीम एन थ्री थ्री यू एंड एन वन टू थ्री एन एन एस थ्री टू लेफ्ट ऑफ एस सेकंड टू लेफ्ट एस एस टू फेसेस ऑन एम एंड क्यू आर इक्वल राइट ऑफ ईच अदर एम एंड क्यू इन राइट ऑफ ईच अदर क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ आर फेसेस ऑफ राइट ऑफ आर वो एम आर एन 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 एडजेसेंट पी इज राइट नॉट एक्सट्रीम एन पी इज इन राइट ऑफ टी पी इज इन राइट ऑफ टी पी एन ओ सेम एज यू पी एन ओ सेम एज यू ठीक है सही है पी एन ये सही है ये सही है ये सही है और ठीक है राइट में पी सही है एस की लेफ्ट में ना ये भी सही है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन ठीक है एग्जैक्टली इन द मिडल एग्जैक्टली इन द मिडल सेकंड टू द राइट ऑफ टी एफ सिक्स फोर टू लेफ्ट ऑफ सी एफ एफ सिक्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ सी फेसेस डब्ल्यू डी फेसेस U and set of extreme N. E faces U and sets at extreme N. Three people U and Y. 1, 2, 3, Y. 2, 3 or Y. 2 person C and G. Now 2 person C and G. E sets in the right of B. E sets immediate right of B. X is neither A. X is neither A nor F. C 1, 2, 3, F. सी डब्ल्यू है ना सी डब्ल्यू वन टू थ्री एफ सी डब्ल्यू वन टू थ्री एफ जी इधर हो गया वन टू जी इधर हो गया ई का बी ई का बी ए इधर ए इधर एक्स इज नाइदर ए नॉर एफ जेड सिर्फ लेफ्ट ऑफ एक्स लेफ्ट ऑफ एक्स थ्री फोर फाइव G, that's facing G X, A or G thin, right of C two, immediate right of Y X. M is but equal to B, but equal to D. So here B is equal to O B S D. नहीं हो सकता R is बड़ा J R is बड़ा D ठीक है
स्टॉप का तो है ये हो जाएगा और ट्रैफिक का पॉप नहीं IFEOPQ पॉप RCS ट्रक हाईवे लेन लीन रहो ना हाईवे और टीवायर इसमें डिवाइडर लीनियर कंफ्यूजिंग हाईवे कंफ्यूजिंग लीनियर ट्रक लीनियर NUE ट्रक पॉप NUE पॉप IFE इसमें towards no direction from her home after 2090 degree in a clockwise 24 moon of love and 16 ground moon market is 8 the north market is 8 the market respect to market northeast school and market starting from S 3rd, 4th, 9, 10, 12, 14, 15. 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Section. क्या पता हो सकता है अरेंज ना इसको भी छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल कंसोनेंट टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आई वन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर वन इज नॉट कंसोनेंट टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली कंसोनेंट वन टू एलिमेंट्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली even number elements, even number एक ही होगा फिर जो हमने elements तो एक ही होंगे elements आते हैं immediately preceded by odd number
एक ये भी एक ही है, मेल में सदा ही में सक्सीडेड बाय इवन नंबर ना, सक्सीडेड बाय एक दो, और सेविंग आर बैंक, और बैंक इज लोन ओनली लोन इज इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज सेविंग, सम बैंक आर नॉट इंटरेस्ट, फ्यू बैंक्स आर नॉट सेविंग, फ्यू बैंक्स आर नॉट सेविंग, वन एंड टू, सम पर्सन आर पीपल, ऑल मेल आर पीपल, फ्यू फीमेल, पीपल और फीमेल बीइंग पीपल, यू नो द पर्सन, some person are male, some person are male, all person, people are person, all person, only few day is, only few day is bright, no brightest dull, only dull is fate, some day can never be dull, some day can never be dull, some fate can be bright, some dull are day, some dull are day. Large are small, or small are medium, only medium is big, some large can be big, no small is big, some large are medium, 2, 3, ठीक है, इसको बाद में करता हूँ, इसका भी पट्टा जैसा लग रहा है, ये भी बाद में सिक्स फाइव टेन नाइन ना, ये बड़ा है, एक्स इज बिगर, वाई प्लस 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 प्लस, 12, 10, 15, 11, ये बड़ा है और इसमें तो ये बड़ा है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 12, 10, 4, 3, 5, 2, 15, 8, 15, 8, 2, 4, 8, 3, 2, 2, 16, 6, 9, 4, 2, 4, 8, ये बड़ा है और ये इक्वल टू है, वाई इज बिगर और इक्वल टू है, ये
72 क्या नाम रखना चाहिए।
6000 पीपल इन दिल्ली एंड जो एंड नंबर ऑफ मेल फीमेल और ठीक है हरियाणा पंजाब बिहार राजस्थान मेल फीमेल टोटल ठीक है। तो ये दिल्ली से दिल्ली में है ना ये, तो ये कितना अच्छा जाना 12 36 और तो नंबर मेल में 20% बिलोंग्स टू बिहार। नंबर ऑफ विजिटर्स हु बिलोंग टू हरियाणा इज हरियाणा इज 114 द रेशियो मेल इज 19। मेल विजिटर मेल एंड फीमेल इन पंजाब नंबर ऑफ मेल विजिटर पंजाब इज 900। नंबर ऑफ विजिटर हु बिलोंग टू राजस्थान इज सिक्स सात बारह 21 छः सात बारह 21 36 4 144 192 8 480 ठीक है। ये हो गया 11 12 18 6 1620 1320। मेल इन राजस्थान पंजाब हरियाणा राजस्थान पंजाब 3740 3 8 20 9 96। बिहार इज वन परसेंटेज मोर देन फीमेल इन राजस्थान फीमेल इज बिहार राजस्थान मोर है तो लेस 4 25 ये हो गया पंजाब एंड बिहार पंजाब बिहार 2 8 1 2 6 6 3 2 7 3 2 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2 7 22 2
ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, अच्छा जब माइनस हो जाएगा ना फिर छत्तीस नहीं हो सकता, फाइव सिक्स पंद्रह नहीं हो सकता।
क्या है यार ये? Seventeen numbers is 60. Every first 8 numbers is 15. L, M, N,
मूवी अनचेंज्ड एक दो ही था शायद, एक दो आई डोंट नो, लेट्स सी। एक मिनट हो गया। तो गाइस ये मेरा स्कोर है, रीजनिंग में मेरा एक गलत हो गया, आई डोंट नो कौन सा गलत हुआ है, पॉइंट तो पूरे सही थे। ठीक है देखो, मॉक ना ही मैं इसको आरआरबी पीओ बोलूंगा ना ही मैं आरआरबी क्लरिकल बोलूंगा, ठीक है। आरआरबी क्लरिकल तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। आरआरबी पीओ से भी इसकी जो रीजनिंग थी वो थोड़े टफर सेक्शन में थी। क्वांट आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ जितना लगेगा आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आरआरबी पीओ जितना लग सकता है, बट जो रीजनिंग है वो थोड़ा सा आरआरबी क्लरिकल से ऊपर है बट आरआरबी पीओ से हल्का नीचे है, ठीक है। एकदम ये भी नहीं बोलूंगा कि एकदम आरआरबी पीओ, क्योंकि आरआरबी पीओ में डबल वेरिएबल पजल भी आते हैं और इसमें मुझे सर डबल वेरिएबल का दिखा नहीं गई, ठीक है। और आरआरबी क्लरिकल का जो पेपर है ना गाइस वो ऐसा नहीं आता, आज तक ऐसा नहीं आया है, ठीक है। वो बहुत ईजी रहता है कि आप 80 में से 80 क्वेश्चन कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, आपको ईजिली टाइम मिलेगा 80 में से 80 क्वेश्चन करने का, ठीक है। वो उसमें सिलेक्शन जो है ना वो आपके एक्यूरेसी पे मैटर करेगा, ठीक है। आप 80 में से 80 करके आ रहे हो लेकिन आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसमें आपका सिलेक्शन तभी रुक जाता है, बहुत सारे बच्चों का इसलिए रुक जाता है, ठीक है। तो आप उसमें ना जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करना, ठीक है, आराम से करना कि आपको टाइम मिले उस क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा स्पेसिफिक टाइम दे पाओ कि आप कहीं गलती ना करो, ठीक है। रही बात ये मॉक की, तो क्वांट कहीं ना कहीं कह सकते हैं आरआरबी पीओ जितना है, मतलब अगर मैं 100 में से बोलूँ तो 80% कहना कहीं आरआरबी पीओ जितना है, ठीक है। और जो रीजनिंग है तो वो थोड़ा सा आरआरबी पीओ से थोड़ा नीचे है, ठीक है। मतलब ये आरआरबी पीओ से 80% का लगभग पेपर ये है। आरआरबी पीओ हल्का सा इससे ज़्यादा टफ होता है, एकदम टफ नहीं बोलूँगा, हल्का सा टफ होता है इससे ज़्यादा, ठीक है। 10-20% ज़्यादा टफ होता है आरआरबी पीओ से, और वो कोई भी सेक्शन में हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है, डिमांड में भी हो सकता है, ठीक है। तो बस मेरा यही रिव्यू है, बाकी आपका क्या स्कोर रहता है जरूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।